हालत इसकी ऐसी बनाई है आपने कि दुनिया इसको ऐसी दिखाई है आपने। हंसता था कभी ये चेहरा भी मासूमियत से कि हंसी इसके होठों से चुराई है आपने। वरुण ये क्या है, तुम फिर फेल हो गए? आखिर मैं पूछती हूँ तुम मेरी क्लास में कितने साल लगाओगे, तुम मेहनत क्यों नहीं करते? मैम मैंने इस बारी बहुत मेहनत की। तो ये है तुम्हारी मेहनत? बाप टॉपर और बेटा फेलियर, स्कूल में रहना ना, रहना ना स्कूल में, रहना ना स्कूल में, देख रहना ना स्कूल में, मेहनत कर लोगे। आज की बात तुम स्कूल में मुझे फेलियर नजर आए तो तुम्हें यहाँ नहीं टिकने दूंगी। अरे देख वो फेलियर, अरे देखो देखो कौन है। ये तो वही फेलियर है वरुण, जो रोज फेल होता रहता है। इसको शर्म ही नहीं आती, हर रोज फेल होता रहता है। इसकी जगह मैं आती तो कब की मर जाती। ताने ना मारो उसको वह रूठ जाएगा, कि टूटने से खुद को ना रोक पाएगा। ना समझा सको उसको तो चुप रहना, कि जीवन उसके हाथों से छूट जाएगा। हेलो, हाँ जी कौन? मैं वरुण के स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। जी कहिए क्या बात है? आपको पता चला इस बार भी वरुण फेल हो गया है? क्या वरुण इस बार भी फेल हो गया? ठीक है मैं बात करती हूँ। ओके सुना आपने, वरुण इस बार भी फेल हो गया। ठीक है कह रही हो तुम, वरुण ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम इस बार भी फेल हो गए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कितनी बार कहा है पढ़ा करो, लेकिन सुनते कहाँ हो? जब भी आता हूँ खेलते हुए दिखते हो, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए चले जाओ। कुछ कहना चाहता है वो कि उसकी बात सुन लो, सहमा हुआ है वो उसका साथ तुम दो। नम आँखों में उसकी एक सपना है, पराया नहीं है वो आपका अपना है। यार पहले ना मैं बहुत परेशान था, लेकिन जब से मैंने ड्रग्स लेना शुरू करी ना, मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। ऐसा लगता है मैं तो स्वर्ग में आ गया हूँ। यार मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं भी सर ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। तुम्हारे ठुकराने से कोई गलत राह पर मुड़ सकता है, देश का भविष्य बनने से पहले ही उजड़ सकता है, कि ये तारा चमकने से पहले ही टूट सकता है, आपके कारण कोई इंसान दुनिया से रूठ सकता है। देके सजाए कॉर्पोरल उन्हें खामोश करते हैं, फिर ऐसे ही तो बच्चे जीते जी मरते हैं। कह पाते नहीं है कुछ, दिल ही दिल डरते हैं, कितनी ही आंखें आप आंसुओं से भरते हैं। वक्त है अभी भी, तुम इसे बचा लो, कॉर्पोरल सजा के विपरीत एक प्रश्न उठा लो। अनुशासन के नाम पर बच्चों को ऐसा दंड दिया जाता है जो उनको मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाता है। फूल जैसे मासूम व सुंदर बचपन पर ऐसा कड़ा प्रहार किया जाता है जो कई बार जानलेवा सिद्ध होता है। आइए जानें कैसे रोके हम इस अत्याचार को। कुछ उपाय हैं जिन पर अमल किया जाना चाहिए। शिक्षा तथा प्रशिक्षण द्वारा शिक्षक वर्ग को सही दिशा निर्देश दिए जाए। प्रभावशाली कानूनी कार्यवाही द्वारा समाज की सोच में बदलाव लाए। बच्चों के प्रति हिंसा को रोक। बाल भागीदारी द्वारा बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें।
हिंसा के स्थान पर अहिंसा का प्रयोग हो। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों को समान रूप से प्रतिभागी बनाए, उनको उनका उचित स्थान व मान दिया जाए। यदि व्यक्ति व समाज ये ठान ले कि बच्चों को प्रेम से ही अनुशासित किया जाए तो स्वाभाविक रूप से बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा का अंत होगा।